अगर आपका स्पीड 70 से 80 है तो चांसेस रहता है कि चालान कट जाए। দাদা বলছি যে এখানে একটা মেলা হচ্ছে বাইকিং এর, ওটা কোথায় বলতে পারবে? দ্য মাইটি নিনজা H2। लेकिन ये है व्हाइट में, मतलब बहुत ही खूबसूरत है गाइस। जब से यहाँ पे आया हूँ मतलब इसे नजर नहीं हट रहा, इतना खूबसूरत है। अनविदा थोड़ा हमको भी दिखाओ। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे गाइस। सो गाइस, आज है संडे और मैं जा रहा हूँ फिलहाल विश्व बांग्ला गेट के करीब, मतलब न्यू टाउन पे जा रहा हूँ गाइस। सो वहाँ मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, मतलब अनविदा के इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे देखा है कि वहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है, लाइक कार्निवल बोल सकते हो, इवेंट बोल सकते हो, मेला बोल सकते हो, ऐसा समथिंग कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स, मतलब सुपर बाइक बाइकर, सुपर कार, ये सब आने वाला है। तो वहाँ पे हम लोग चलेंगे, मेरे साथ मेरा भाई भी जाएगा, तन्नाय भाई। तो चलो यार, देरी ना करते हुए ब्लॉग को शुरू करते हैं और आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो भाई अभी फिलहाल मैं चला रहा हूँ बाइक को, यार इवेंट हो रहा है वो विश्व बांग्ला गेट के बगल में है, तो अभी चलते हैं फिलहाल। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। तो सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ा वेट कर लूँ, जब सुपर बाइक आ जाएगा ना उसके बाद सब एक साथ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं है। ओ गाइस, मतलब शाम का टाइम है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना यार सॉल्ट लेक सेक्टर 5। और मतलब कोलकाता में मुझे लगता है सबसे डेवलपिंग जगह है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन पे आ चुके हो। 3 लेन रोड है, फिर भी आप जोर से चला नहीं सकते, क्योंकि यार स्पीडोमीटर है, देख सकते हो यहाँ पे। और मैंने देखा भी है यार, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी चालान कट चुका है इस स्पीडोमीटर की वजह से। जैसे आपका स्पीड 70, 75, 80 आप होता है ना, देखो ऐसे मेरा 50 दिखा रहा है ना, तो 50 पे ही ये वार्निंग दे रहा है, मतलब 50 से ऊपर अगर जाएगा ना स्पीड, तो फिर ये वार्निंग देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका स्पीड 70 से 80 है तो चांसेस रहता है कि चालान कट जाए। ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपको चालान हुआ है आपके बाइक पे ओवर स्पीडिंग का, आपको वो पैसा जो है पे करना है। मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ न्यू टाउन के ऊपर से और इको पार्क राइट साइड पे, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है गाइस। मतलब यहाँ पे ना आपको, मतलब जब आप राइड करोगे ना, आपको मतलब मन करेगा कि भाई कम से कम तो यहाँ पे 100 या फिर 80-90 की स्पीड से जाऊँ, लेकिन यार जा नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। लेकिन यार जगह और रास्ता दोनों ही जस्ट लाजवाब है, लाजवाब। দাদা বলছি যে এখানে একটা মেলা হচ্ছে বাইকিং এর, ওটা কোথায় বলতে পারবে? ও আচ্ছা, এক্স্যাক্টলি লোকেশনটা চেনো? ঠিক আছে। দাদা এখান দিয়ে কতটা, এখান দিয়ে কতটা? দাদা আমরা ওখানেই আছি, আমরা ওখানেই আছি, এখান দিয়ে কতটা সামনে? खूबसूरत सा जगह देखो यार, ये ब्रिज के नीचे ये जगह बहुत ऑसम है गाइस, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे मतलब पेंट किया हुआ है कस्टमली, और इतना खूबसूरत किया है ना भाई, आने के टाइम पे यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे भाई। मैं बहुत बार फेसबुक में देखा हूँ ये जगह, इंस्टाग्राम पे देखा हूँ, बहुत सारा पोस्ट पे, लेकिन कभी गया नहीं हूँ। तो बाइक को रुक के यार यहाँ पे ज़रूर घूमेंगे थोड़ा बहुत यार। गाइस यार जस्ट लोकेशन देखो यार, हम लोग आ चुके हैं भाई, क्या गजब खतरनाक लोकेशन है भाई। बस यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। ये है न्यू टाउन मेला भाई, तो पता नहीं यार बाइक को कहाँ पे रखे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, मतलब द माइटी निंजा H2 ये भी है यार, उसके साथ साथ ये जिक्सा 1000 ये भी है, और अपना रोहन भाई का ये चमकीला 1000 तो ये भी है, और इसके साथ डुगाटी। और गाइस
मतलब यहाँ पे देखो यार, मतलब नया इस थाउजेंड आर्डर जय भैया के पास है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा यार। इसके ऊपर स्पेशली ये वाला कलर बहुत कम दिखता है, मैक्सिमम ब्लैक दिखता है या फिर एश कलर में दिखता है, लेकिन ये है वाइट में, मतलब बहुत ही खूबसूरत है गाइस। जब से यहाँ पे आया हूँ मतलब इसे नज़र नहीं हट रहा, इतना खूबसूरत है। उसके बीच में ये टेनर और ये सब जॉय बाइक्स पॉइंट पे है, मतलब जय भाई के पास अभी है तो सब सेल पे है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका प्राइस क्या है, ये सब जानना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली अलग से एक वीडियो डालूंगा जहाँ पे इसका सारा स्पेसिफिकेशन और प्राइस सारा डिटेल मैं उस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी घर पे बज रहे अभी शायद 6:30, और देखो यार वन बाई वन जितने भी सारे सुपर बाइक्स है, सारा सुपर बाइक यहाँ पे निकल रहा है। वहाँ पे देखो डुगाटी आ रहा है, और इसके पीछे एस थाउजेंड आर्डर और Z900 और इसके पीछे डायरेक्शन सब जा रहा है, एक एक करके सब लोग निकल रहे हैं, तो मैं भी निकल रहा हूँ, सब लोगों से थोड़ा बातचीत करूँ, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। क्यों था 80? हाँ बेरी अच्छी आवाज जेता बता बाड़ी थे হ্যাঁ মোটামুটি পৌঁছে যাবো 8:30-এর মধ্যে, আশা করি বাড়ি পৌঁছাবো, এখান থেকে তো সামনে হবে। হ্যাঁ ব্যারাকপুর একদম যাবে। দাদা 80 80, হ্যাঁ আবার দেখা হবে। শুই দাদা গেলাম গো, আবার দেখা হবে ভাই। ইয়ে বালা ব্যাগ বহুত আচ্ছা লাগা মেরে কো, বহুত খুবসুরত হে দিখনে মে ভাই। দেখো গাইস সামনে অ্যানভিরা ক্যা কর রহা হে, দেখো ভিডিও বানা রহা হে। अनवीरा थोड़ा हमको भी दिखाओ। सब लोगों को बोल दिया भाई सामने देखो यार नज़ारा, यार बहुत खूबसूरत है भाई। ये विश्व बांग्ला गेट है, बहुत खूबसूरत है, जाने के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई, मतलब बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे छोटा मोटा बस प्रोग्राम है, पर प्रोग्राम में से क्विज बहुत सारे चीज़ें जो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अरे तो गाइस यार सब लोगों से यार टाटा बाय बाय कर लिया, अभी फिलहाल बढ़ते हैं घर की तरफ। ओ भाई रात के टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है ना गाइस। और यहाँ पे एक चीज़ है, मतलब जहाँ पे ये आपका ये न्यू टाउन पे है, जिसको बोला जाता है सबसे डेवलपिंग जगह कोलकाता का, ठीक है। मतलब एक चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है यहाँ पे गाइस, मतलब यहाँ पे ये जो है ना गाइस, ये आप देख सकते हो, मतलब पूरा चमक रहा है ये सब, यहाँ पे पूरा लाइट लगा हुआ है, ठीक है, ताकि लोग यहाँ पे समझ पाए कि हाँ भाई यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे लेन है, यहाँ पे बॉर्डर है। तो मतलब ये बहुत खूबसूरत है गाइस, और ये सिर्फ न्यू टाउन है इसी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि सबसे कोलकाता का डेवलपिंग जगह यही है विश्व बांग्ला गेट का। रात के टाइम कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना गाइस, तो ये वाला खूबसूरत व्यू को आप लोग एंजॉय करो। और अभी इसके बाद लेफ्ट साइड पड़ते ही सामने ही है इको पार्क, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत रात हो चुका है गाइज, अभी इको पार्क जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो अभी फ़िलहाल जाएंगे अभी घर डायरेक्टली। सो गाइज फाइनली मैं अपने घर पे आ चुका हूँ गाइज, और ये देखो गाइज मेरा नया टी शर्ट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला टी शर्ट अच्छा लगा है, ये मैंने कस्टमली बनाया है, खुद डिज़ाइन किया है मैंने ये। और गाइज आज मतलब दिन एवरेज गया, क्यों बोलो आप लोग, क्योंकि यार बहुत सारा फुटेज में पता नहीं क्या दिक्कत आया यार, ऑडियो नहीं आ रहा है, शायद माइक में कुछ इशू हो गया होगा, तो बहुत सारा फुटेज में ऑडियो नहीं आया, तो वो सारा फुटेज मैं डाल नहीं पाया। मतलब जितना भी सारा फुटेज अच्छा आया है वो सारा फुटेज को कट करके एडिट करके मैंने डाल दिया। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मतलब ये सारा फुटेज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस। सो अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और अगर आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कर कमेंट कर देना गाइस। तो चलो यार आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस पीस।